हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको बेहतरीन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करा रही हूँ। जो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपके सभी जो भी छोटे छोटे पॉइंट पे गलतियाँ होंगी वो आप सुधार कर सकेंगे। तो दोस्तों, परीक्षा तो होगा ही, जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। एंड जैसे कि आपने MPTET का एग्जाम पास कर लिया होगा, तो उसका मेन एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से करिए, क्योंकि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो इंतजार मत कीजिए दोस्तों, लग जाइए। तो यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे UPTGT PGT हो, UPLT ग्रेड हो, MPTET हो, MP SuperTET हो, अदर स्टेट के TGT PGT हो, चाहे UGC NET हो, KVS NVS हो, सभी से रिलेटेड मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज थ्योरी सेशन, MCQs, वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उपलब्ध है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीज़ों को चेकआउट कीजिए और आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और डेली बेसिस से मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। 50 क्वेश्चनों का सीरीज है, बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज है। और आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अपना रैंक बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चंस हल किया। क्वेश्चन है दोस्तों, IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ जो है, ओलंपिक खेल आयोजन का स्थान देते हैं, किसको दिया जाता है दोस्तों? देश को, कि महाद्वीप को, कि राज्य को, कि शहर को? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, शहर को दिया जाता है। जितने भी अपना अपना दावा करते हैं, उनमें से एक शहर को, एक देश के किसी शहर को आयोजन स्थान चुन लिया जाता है IOC की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठशाला स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से एक कार्य नहीं आता है। तो यहाँ पे है रोगों का उपचार, सफाई, स्वास्थ्य ज्ञान और स्वास्थ्य परीक्षण। तो दोस्तों, इसमें कौन नहीं आता? सफाई हम पाठशाला में कर सकते हैं, स्वास्थ्य का ज्ञान दे सकते हैं, स्वास्थ्य का परीक्षण कर सकते हैं, बट रोगों का उपचार पाठशाला में नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क राइट होगा। नेक्स्ट है, सर्किट प्रशिक्षण यानी सर्किट ट्रेनिंग विधि किस विकास के लिए प्रयोग की जाती है? जैसा कि आप जानते हैं, सर्किट ट्रेनिंग, एक सर्कल में अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण किया जाता है। एंड दोस्तों, इसमें इंड्योरेंस यानी स्ट्रेंथ इंड्योरेंस को डेवलप करता है, यानी ताकत और दमखम यानी कि शक्ति और सहनशीलता को डेवलप करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्लेक्शन प्रक्रिया सदैव किस तल में होती है? जैसा कि दोस्तों, तल यानी कि जो प्लेन होती है, तीन होती है, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। जो सेजिटल प्लेन होती है यानी तल होती है, वो शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटती है। और जो गति होती है, आगे पीछे होती है, यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है। तो एंड दूसरा होता है फ्रंटल प्लेन, जो शरीर को आगे पीछे बांटती है, और जो गति होती है वो दाएं बाएं होता है, जैसे एब्डक्शन एडक्शन मूवमेंट। तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल तल, जो शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है, वहाँ पे सभी प्रकार की गतियाँ होती हैं, रोटेशनल एंड सर्कमडक्शन। तो दोस्तों, यहाँ पे कहा है कि फ्लेक्शन प्रक्रिया से तो किस तल में होती है? तो यह होती है सेजिटल तल में। सेजिटल तल शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति आगे पीछे होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट जो होता है वो सेजिटल तल में होता है। नेक्स्ट है, शारीरिक प्रक्रिया में जो मांसपेशियां शिथिल यानी रिलैक्स रहती हैं, आराम करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मांसपेशी को कार्य करने में मुख्य भूमिका अदा करती हैं, उसे कहते हैं एगोनिस्ट, और जो उसकी विपरीत भूमिका अदा करती हैं, उसे कहते हैं एंटागोनिस्ट यानी रिलैक्स यानी आराम करती हैं। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका रिलैक्स यानी एगोनिस्ट, विरोधक।
तो जैसे कि एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, मान लीजिए हम अपने हाथ को मोड़ रहे हैं यानी फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें हाथ को मोड़ने में यानी फ्लेक्शन करने में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है हमारी बाइसेप्स मसल्स। तो मुख्य भूमिका जो अदा करता है उसे कहते हैं एगोनिस्ट। और इसके विपरीत यानी रिलैक्स्ड में कौन है, तो है आपका ट्राइसेप्स मसल्स। तो जो इसके विपरीत एगोनिस्ट के विपरीत कार्य करे उसे कहते हैं एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एंटागोनिस्ट मसल्स। नेक्स्ट है मध्य शरीर के मध्य रेखा से दूर जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा दोस्तों, ख। एबडक्शन में क्या होता है कि मध्य रेखा से मान ले ए आपका शरीर है, ठीक है, तो यहाँ पे ए एबडक्शन है, आपका हाथ यहाँ पे मध्य रेखा से दूर है, एंड ए आपका एडक्शन है, ये मध्य रेखा की तरफ है, तो ए आपका राइट हो जाएगा एबडक्शन। नेक्स्ट है जन सामान्य की शारीरिक क्षमता बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका है। तो क्या है दोस्तों जन सामान्य की, जिमनेजियम और स्टेडियम का ज्यादा निर्माण, ये तो जन सामान्य लोग प्रयोग कर नहीं सकते। आधुनिक उपकरणों की खरीद, ये भी सामान्य लोग नहीं खरीद सकते। तो आहार में सुधार, जन सामान्य लोगों के पास अच्छा आहार उतना नहीं होता। तो क्या है कि गो आपका राइट हो जाएगा कि सारी शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य किया जाए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एक सामान्य व्यक्ति का बुद्धिमत्ता कोष्टक होता है। जैसा कि आप जानते हैं 140 से ऊपर को प्रखर बुद्धि कहा जाता है, एंड 120 से 140 के मध्य को हम कहते हैं, 140 से ऊपर के दोस्तों प्रतिभाशाली बोला जाता है, एंड 120 से 140 के मध्य प्रखर बुद्धि होता है, एंड आपका 110 से 120 के मध्य बुद्धिमान होता है, एंड 90 से 110 के बीच एक सामान्य बुद्धिमत्ता होता है। यहाँ पर राइट हो जाएगा ख, 90 से 110 एक सामान्य व्यक्ति का बुद्धिमत्ता कोशिक आईक्यू होता है। नेक्स्ट है प्लायोमेट्रिक्स को यह भी कहते हैं। प्लायोमेट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, एक बेंच होता है, बेंच पर से आप नीचे कूदते हैं, छलांग लगाते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप बेंच रखा होता है, ऊपर से नीचे चढ़ते हैं और छलांग लगाते हैं। प्लायोमेट्रिक्स जो है विस्फोटक शक्ति को मेजर करता है, यानी कि विस्फोटक शक्ति यानी एक प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया कूद, यानी कि यहाँ पे प्रतिक्रिया कूद यानी विस्फोटक शक्ति आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों भार दर होती है। तो भार दर जो है ये हमेशा भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होती है। भार दर जो होता है वह भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होती है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आइसोटोनिक व्यायाम में पेशी की लंबाई क्या होती है। जैसा कि आपने सही ऑप्शन टिक कर दिया होगा, आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, सेम तनाव होता है बट पेशियां जो है छोटी बड़ी होती है, गति करती हुई स्पष्ट दिखाई देती है। इस दो प्रकार की होती है, कंसेंट्रिक इसेंट्रिक। कंसेंट्रिक में पेशियां छोटी होती है, इसेंट्रिक में छोटी पेशियां बड़ी होती हैं। यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका घ, छोटी तथा लंबी होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड क्या है। जैसा कि आप समझ गए होंगे ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड जो है हृदय की वाल्व यानी कि दरवाजे को बोला जाता है। हृदय में चार दरवाजे यानी कि वाल्व पाए जाते हैं, ट्राइकैस्पिड, बाइकैस्पिड और दो सेमी ल्यूनर वाल्व होते हैं, ठीक है। तो ट्राइकैस्पिड वाल्व जो है दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच होती है, और बाइकैस्पिड जो है बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच होती है। तो बाइकैस्पिड को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। नेक्स्ट है अधिक भार वाले व्यायाम के बाद बढ़े हुए मांसपेशी आकार को क्या कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार मैं बताई हूँ दोस्तों कि मांसपेशियों में व्यायाम के कारण आकार में वृद्धि को हम क्या कहते हैं। तो मस्क्यूलर हाइपरट्रॉफी, क्या होगा, मस्क्यूलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। अधिक भार वाले व्यायाम के बाद बढ़े हुए मांसपेशी आकार को कहते हैं मस्क्यूलर हाइपरट्रॉफी। एंड जब मांसपेशियां कमजोर छोटी
आकार में कम होती है तो उसको कहते हैं मस्कुलर एट्रोफी। दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। नेक्स्ट है मांसपेशीय ऊतक की बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जानिए कि एक मांसपेशी को घेरने वाला ऊतक होता है इंडोमायोसियम, और मांसपेशी समूह यानी फासिकुलस को मांसपेशी समूह को घेरने वाला होता है पेरिमायोसियम, और पूरी मांसपेशी को यानी सबसे बाहरी परत होती है पूरी मांसपेशी को ढकने वाला ऊतक होता है एपिमायोसियम। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जब भी मांसपेशी समूह पूछेगा तो पेरिमायोसियम, मांसपेशी तंतु को घेरने की पूछेगा तो इंडोमायोसियम, संपूर्ण मांसपेशी को पूछेगा या तो मांसपेशी की बाहरी परत को पूछेगा तो एपिमायोसियम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एपिमायोसियम। क्या हो जाएगा? एपिमायोसियम। नेक्स्ट है सनबर्न एवं स्नो ब्लाइंडनेस होता है। सनबर्न एवं स्नो ब्लाइंडनेस दोस्तों ऊंचे स्थानों पर होता है। कहाँ पे? ऊंचे स्थानों पर, जहां पे ज्यादा गर्मी होगी और ज्यादा वातावरण में उमस होगा, यहाँ पे इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है लाल पेशियों में होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं मसल्स तंतु दो प्रकार के हैं, एक लाल तंतु एक सफेद तंतु। लाल तंतु जो होती है यानी जो रेड मसल फाइबर होती है वह स्लो ट्विस्ट फाइबर होती है यानी धीरे धीरे संकुचित होती है। ये सहनशीलता वाले एरोबिक क्षमता वाले क्रियाओं में ज्यादा प्रयोग होती है। जो फास्ट ट्विस्ट फाइबर होती है यानी सफेद पेशी तंतु फाइबर होती है वह जल्दी जल्दी फ्लेक्शन होता है, कंट्रक्शन होता है। वो अन एरोबिक यानी छोटे समय की कम समय की स्पीड वाले क्रियाओं में ज्यादा एक्टिव होती है। तो लाल पेशी पूछा है तो एरोबिक और सहनशीलता आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा क, ज्यादा एरोबिक क्षमता होती है लाल पेशियों में। नेक्स्ट दोस्तों टेंडनाइटिस क्या है। तो जो मांसपेशी जोड़ों के आसपास टेंडन जोड़ों के आसपास टेंडन की जो सूजन होती है उसी को हम कहते हैं टेंडनाइटिस। टेंडन यानी क्या करता है दोस्तों? मांसपेशियों को, कंकाल मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है कौन? टेंडन। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ों पर कौन जोड़ता है? लिगामेंट। इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों सीन स्प्लिंट होता है। तो दोस्तों सीन स्प्लिंट तो है पैर के निचले भाग में जहां पे एंटीरियर टेविया मसल्स होती है वहां पे चोट लगता है। नए खिलाड़ी को नए जूते पहनने के कारण या नया खिलाड़ी है शुरू शुरू में आया है तो इस प्रकार की चोट लगती है तो उसको हम सीन पेन या सीन स्प्लिंट या एंटीरियर टेविया फिबुला क्या कहते हैं, एंटीरियर लेग पेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों पाठ्यक्रम कारक है। तो जो पाठ्यक्रम होता है वह सीखने के अच्छे वातावरण के निर्माण करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि खिलाड़ियों में कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन का क्या कारण है। तो दोस्तों खिलाड़ियों में फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा तब होता है जब अपनी योग्यता और आकांक्षा स्तर में असंतुलन यानी कि संतुलन नहीं बैठा पाता है तब वो फ्रस्ट्रेस हो जाता है। नेक्स्ट है सीढ़ियां चढ़ते समय उपयोग में आने वाली ऊर्जा की तुलना में सीढ़ियां उतरते समय ऊर्जा का व्यय कितना होता है। तो दोस्तों 25% होता है। कितना होता है? 25%। सीढ़ियां चढ़ते समय आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है जबकि सीढ़ियां उतरते समय कम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट व्यायाम के समय एक सामान्य व्यक्ति के हृदय से निकलने वाले रुधिर का प्रति मिनट आयतन 4 लीटर से बढ़कर कितना होता है। दोस्तों एक प्रति मिनट हृदय कितना रक्त को पंप करता है? 4 से 5 लीटर। कितना करता है? 4 से 5 लीटर। उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। एक मिनट में जितना रक्त हृदय से शरीर की तरफ भेजा जाता है उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। एंड एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, जो एक धड़कन में हृदय के एक धड़कन में जितना रक्त शरीर की तरफ भेजा जाता है उसे कहते हैं कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है। और एक मिनट में हम सांस लेते हैं, हृदय कितना बार धड़कता है? 72 बार। यानी एक धड़कन में 70 ml जाता है और एक मिनट में धड़कता कितना है? 72। दोनों का गुणा करेंगे 70 और 72 का स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे
हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम आपका 70 ml और हार्ट रेट 72 बार, दोनों का गुणा करेंगे तो 5040 ml आएगा, यानी कि 5 लीटर, 5 लीटर आपका राइट होगा। तो एक मिनट में कितना रक्त हृदय शरीर की कार्डियक आउटपुट कितना होता है, तो 4 से 5 लीटर, 5 लीटर होता है। जब वही सामान्य व्यक्ति जब व्यायाम करता है तो यह बढ़कर हो जाता है 15 लीटर के आसपास, कितना 15 लीटर के आसपास हो जाता है। लेकिन जब एक प्रशिक्षित व्यक्ति व्यायाम करता है तब उसमें उसके प्रति मिनट हृदय का जो आयतन होता है वह हो जाता है, प्रति मिनट हृदय से निकलने वाले रुधिर का आयतन जो होता है वो 30 से 40 लीटर के बराबर हो जाता है जब एक प्रशिक्षित व्यक्ति करता है तब। और यह सामान्य अवस्था में एक मिनट में कितना कार्डियक आउटपुट होता है, तो 4 से 5 लीटर, ये ध्यान में रखिएगा। उसी तरह दोस्तों जब हम साधारण स्थिति में होते हैं तो हमारे हृदय की धड़कन 72 बार होता है, लेकिन जब हम कुछ व्यायाम करते हैं तो उस समय हमारे हृदय की धड़कन 180 तक पहुंच जाता है। लेकिन जब हम प्रशिक्षित हो जाते हैं, प्रशिक्षित होकर के सामान्य अवस्था में 40 से 50 हार्ट रेट हो जाता है। नेक्स्ट है बाहरी एवं भीतरी आलोचना क्रिटिसिज्म किस शोध से में की जाती है, तो ये दोस्तों बाहरी और भीतरी आलोचना जो क्रिटिसाइज होता है वह की जाती है किसमें, ऐतिहासिक शोध में, हिस्टोरिकल जो रिसर्च होता है उन सब में सब क्रिटिसिज्म होता है जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट है छोटी याद के भाग का सही क्रम क्या है, तो छोटी याद के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है, सही आपका क्रम है डेडुनम, जेजुनम, इलियम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी खेलने की सतह है, तो दोस्तों यहां पे आपका खेलने की सतह कौन है, टेरा फ्लेक्स। नेक्स्ट है ओलंपिक झंडों में बना काला गोला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, तो दोस्तों ओलंपिक झंडे में 4-5 गोले होते हैं, यानी 5 छल्ले होते हैं, 5 रंग के, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, जिसमें से नीला जो होता है यूरोप महाद्वीप का प्रतीक होता है, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक होता है, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक होता है, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक होता है, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक होता है। यहाँ पे क्या पूछा है कि काला गोला किस महाद्वीप का प्रतीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक है। नेक्स्ट है दोस्तों जले हुए व्यक्ति का तुरंत इलाज क्या है, कोई व्यक्ति जल गया है तो उस पर हम न दबाव डालेंगे, न फफोले पर फोड़ेंगे, न पट्टी बांधेंगे, पानी से धो देना, ये राइट होगा आपका। नेक्स्ट है खिलाड़ी का खेल प्रदर्शन की समत्व है, तो खिलाड़ी का जो खेल प्रदर्शन होता है वो प्रदर्शन के पहले जो अपना स्किल डेवलप किया रहता है, सीखा रहता है, ट्रेनिंग लिया होता है, वही उसके खेल प्रदर्शन का समत्व होता है, तो यहाँ पे राइट सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका प्रशिक्षण की दशा यानी ट्रेनिंग कंडीशन। नेक्स्ट आयोडीन की कमी से कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है जिसे गले पे उठा हुआ दिखाई देता है घेंगा रोग, जिसे हम ग्वाइटर बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है कार्य कौशल संबंधित सूचना उसे समायोजित, नियंत्रित तथा व्यवस्थित करने में सहायक होती है, तो वह फीडबैक देने में कौन सा होता है, जो फीडबैक होता है, जो हमारा इवोल्यूशन मूल्यांकन होता है, वह कार्य कौशल संबंधित सूचना को समायोजित, नियंत्रित, व्यवस्थित करने में क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मध्य मस्तिष्क मृदुदा भाग यानी मिडल ब्रेन स्टेम का संबंध किस भाग के नियंत्रण से है, तो यह है दोस्तों संवेग यानी कि मोमेंटम को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कुशल प्रबंध के दृष्टिकोण से एक शारीरिक शिक्षक में निम्न में से कौन एक सा तत्व होना आवश्यक है, कुशल प्रबंधन के दृष्टिकोण से एक शारीरिक शिक्षक में निम्न में से कौन से एक तत्व का होना आवश्यक है, तो दोस्तों यहां पे आपका सबसे राइट आंसर होगा
तकनीकी ज्ञान और कौशल का होना एक शारीरिक शिक्षण में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के प्रबंधन तथा प्रशासन का आधार किस एक सिद्धांत पर होना चाहिए? तो शारीरिक शिक्षा के प्रबंधन और प्रशासन का आधार जो है वह शिक्षण सिद्धांत पर होना चाहिए। नेक्स्ट है, जर्मन शारीरिक शिक्षा की धारणा के अनुसार सभी खेल क्रीड़ाओं की जननी कौन है? दोस्तों तो कौन है? जिम्नास्टिक को सभी खेल क्रीड़ाओं की जननी यानी माता बोला जाता है, और खेलों की रानी किसे बोला जाता है? एथलेटिक्स को। तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, खेलों की माता जिम्नास्टिक एंड खेलों की रानी एथलेटिक। नेक्स्ट है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों का मुख्य स्रोत क्या है? तो शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों के मुख्य स्रोत है तत्व ज्ञान यानी कि फिलॉसफी एंड विज्ञान। नेक्स्ट है, किस काल में सबसे अधिक वृद्धि होती है? यहां पे सभी प्रकार की वृद्धि के बात कहा है, एक प्रकार की वृद्धि नहीं, ठीक है। शारीरिक वृद्धि और विकास तो सबसे ज्यादा आपका शैशव काल में होता है, बट सभी प्रकार की जो वृद्धि होती है सबसे अधिक वृद्धि की बात बोला है यह तरुणावस्था एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में होता है। यहाँ पे वृद्धि का मतलब दोस्तों है कि उसके दिमाग में वृद्धि, कार्य कुशलता में वृद्धि, सभी प्रकार की वृद्धि की बात कहा है, तो किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट है, खेल कूद में लगी चोटों के पुनर्विस्थापन यानी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस यानी जो पुनर्वास कहते हैं, इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों खेल कूद में लगी चोटों के पुनर्वास यानी कि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस यानी पुनर्स्थापन में तीन चीजें होती हैं मेन, आप ध्यान रखिएगा। एक है सुधारात्मक व्यायाम यानी कि करेक्टिव एक्सरसाइज, दूसरा है मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रशिक्षण यानी कि उसको मन को उत्साह बढ़ाएंगे, और तीसरा होता है शारीरिक चिकित्सा, ठीक है, शारीरिक चिकित्सा। तीन होता है, सुधारात्मक व्यायाम करेक्टिव एक्सरसाइज, दूसरा साइकोलॉजिक प्रशिक्षण यानी कि उसको उत्साह बढ़ाएंगे, तीसरा शारीरिक चिकित्सा। तो यहाँ पे उसमें से जो कोई भी तीन ऑप्शन रहेगा, तो तीन में से कोई ऑप्शन रहेगा तो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पुनर्स्थापन यानी कि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस यानी पुनर्वास में किसका उपयोग किया जाता है खेलकूद में लगी चोटों में? तो सुधारात्मक व्यायाम यानी कि करेक्टिव एक्सरसाइज का। नेक्स्ट है, खेलकूद गतिविधियों में सबसे प्रभावशाली लीवर कौन सा है यानी कि उत्तोलक कौन सा है? दोस्तों तो यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, जिसमें फोर्स जो है वो बीच में होता है रेसिस्टेंस एंड एक्सिस के, इसे गति का लीवर भी कहते हैं, इसलिए खेलकूद में सबसे अधिक प्रयोग होता है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है, किस शासन पत्र में हिस्सा है? ठीक है, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है, इस बात को किस पत्र में, किस संगठन में एक अच्छे शब्द के रूप में रखा गया है? यूनेस्को में, ठीक है, यूनेस्को में। नेक्स्ट है दोस्तों, कि सुंदर काया ब्यूटीफुल फिजिक्स किसका आदर्श था? तो यह ग्रीस वासियों का यानी यूनान वासियों का, जिसमें आदर्शवाद इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आइडियोलॉजी में, जिसके आइडियोलॉजी के प्रतिपादक हैं प्लेटो। नेक्स्ट है, इलियड और ओडेसी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो दोस्तों होमर काल के यूनान में होमर काल के महान कवि थे जिनका नाम नेत्रहीन कवि थे जिनका नाम होमर था, इन्होंने दो महाकाव्य इलियड और ओडेसी लिखा है। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार ओलंपिक शपथ दिलाई गई? दोस्तों तो 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में सबसे पहली बार शपथ भी दिलाया गया, और ओलंपिक झंडे, ओलंपिक प्रतीक चिन्ह, ओलंपिक झंडे को भी सबसे पहले फहराया गया 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। ये दोनों चीज, शपथ और ओलंपिक झंडा, 1920 एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों तो विलियम वुंड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, और उसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता कोर प्रोग्राम यानी नेशनल फिजिकल फिटनेस क्रॉप्स प्रोग्राम कब बनाया गया दोस्तों, तो 1965 में इसको बनाया गया। नेक्स्ट है कौन सा दबाव से संबंधित नहीं है, तो इसमें कौन सा दबाव से संबंधित नहीं है दोस्तों, रक्तचाप है, पेप्टिक अल्सर है, मानसिक रोग भी है एंड यहां पे रक्त अल्पता नहीं है। नेक्स्ट है स्थिति में परिवर्तन क्या है, तो दोस्तों स्थिति में परिवर्तन एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को तय करेंगे तो दूरी होगा एंड किसी निश्चित दिशा में आप दौड़ रहे हैं तो वेग हो गया, चाल किसी भी दिशा में दौड़ रहे हैं चाल हो गया एंड विस्थापन क्या है, एक स्थिति में परिवर्तन होना ही विस्थापन है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अनाबोलिक स्टेरॉइड सीधे किससे प्रभावित होती है, तो एनाबोलिक स्टेरॉइड दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित करती है मांसपेशियों को। दोस्तों एनाबोलिक स्टेरॉइड को शॉर्ट में बोलते हैं AAS यानी एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉइड, यानी एंड्रोजेनिक से तात्पर्य पौरुष तत्व यानी मस्कुलाइजिंग और एनाबोलिक स्टेरॉइड से तात्पर्य है टिश्यू बिल्डिंग यानी उत्तकों का निर्माण। यह जो दोस्तों खेल के दुनिया में सबसे अधिक प्रयोग डोपिंग के रूप में किया जाता है एनाबोलिक स्टेरॉइड का, यह वसा की मात्रा को कम करता है, पेशियों की ताकत व सहनशीलता में असीम वृद्धि कर देती है, ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा यह मसल्स को बिल्ड करती है और महिलाओं द्वारा इसको प्रयोग करने पर पौरुष तत्व के गुण आ जाते हैं जैसे कि आवाज भारी होना, दाढ़ी मूछ आ जाना, ये सब हो जाती है। इसके अंतर्गत स्टेनाजोल, नेड्रोलोन, टेस्टोस्टेरोन आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिक्रिया समय यानी रिएक्शन टाइम किसका घटक है, तो दोस्तों फिजिकल फिटनेस दो प्रकार का होता है, एक हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, एक मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड में आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी आदि आते हैं एंड मोटर फिटनेस में स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन ये सभी आते हैं। तो प्रतिक्रिया समय जो होता है वह कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आता है, या ये मोटर स्किल है, क्या है, मोटर घटक है, यह क्या है, मोटर घटक है। नेक्स्ट है दोस्तों ओलंपिया नामक स्थान किन दो नदियों के मध्य बसा हुआ था, तो दोस्तों ओलंपिया नामक स्थान जो है यह एल्फियाज और क्लॉडियस नामक दो नदियों के मध्य बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलर तथा स्पेंसर निम्नलिखित खेल सिद्धांतों में से किस एक से संबंधित हैं, तो दोस्तों सीलर तथा हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर जो है अतिरिक्त शक्ति और विशेष ऊर्जा का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सल्पर्स एनर्जी से रिलेटेड हैं, रिलेटेड है, तो यहां पे आपका हो जाएगा ख अतिरिक्त ऊर्जा यानी कि सरपल्स एनर्जी थ्योरी के प्रवर्तक हैं हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर। एंड दोस्तों भविष्यदर्शी धारा यानी पूर्वानुमानित धारा जिसे हम इंग्लिश में एंटीसिपेटरी थ्योरी या प्री एक्सरसाइज थ्योरी भी कहते हैं, इसको पूर्वाभ्यास या तत्परता के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी प्रवर्तक है कार्ल ग्रूस। एंड मनोरंजनात्मक धारणा यानी रिक्रिएशनल थ्योरी के प्रवर्तक हैं लॉर्ड केम्स तथा G.W. पैट्रिक। एंड पुनः अवलोकन धारणा यानी पुनर्कथन या पुनरावृत्ति की धारणा जिसे रिकैपिटुलेटरी थ्योरी कहते हैं, इसको प्रवर्तक हैं स्टेनली हॉल। एंड मनोविश्लेषणात्मक धारणा यानी साइको एनालिटिक थ्योरी के प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड। एंड रेजन विरेजन धारणा यानी मनोभावों का धारणा जिसे कैथेटिक थ्योरी भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक हैं अरस्तु। सामाजिक धारणा यानी सोशियल थ्योरी के प्रवर्तक हैं अरस्तु। खेल ही जीवन है धारणा यानी प्ले इज लाइफ थ्योरी के प्रवर्तक हैं जॉन डीवी। निसर्ग अनुष्ठान धारणा के प्रवर्तक हैं रूसो। संज्ञानात्मक धारणा कॉग्निटिव थ्योरी के प्रवर्तक हैं जीन पियाजे। अहम विस्तारक धारणा के प्रवर्तक हैं लैंज। सहज प्रवृत्ति धारणा यानी कि इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी के प्रवर्तक हैं विलियम मैकडूगल। ये सभी पॉइंट आपको पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए
और खेल मनोविज्ञान के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आप खेल के सैद्धांतिक धारणाओं वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, सभी क्वेश्चन अच्छे थे। एंड जिस क्वेश्चन में डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।